काका बाबा बधाने राम राम। हूँ आ गया तुम्हारे शो में मुकेश परमार। खबर लीन जी रीते बात करती कि मध्य प्रदेश आने की उप मुख्यमंत्री आने की जगदीश देवकोड़ा आज झाबवा में आयो और आज एवं रीते बात करी कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उद्घाटन मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक मंत्र आ कि कहीं रिहाई नहीं जावा जो कि आप कहीं कैदू नहीं हो कहीं तेड़ू नहीं थाय हो भूल चूक थ जाए क्योंकि परिवार मोटो थी गयो कहीं कहीं खटपट थाती रहे इन में रिहावानू जो है लेकिन तुम जब रीते पार्टी नाम या काम मे या तीन सूचना मे ते रीते तुम पहला आ जाओ एम नहीं कहता है कि मंडल अध्यक्ष कीधु लेकिन फूलवाड़ी पार्टी ने आने की 370 ने राम मंदिर निर्माण काम करी थी फूलवाड़ी पार्टी ने मोदी सरकारे करू तो फेर थी जीताड़ो लोकसभा में तो फूलनो ने पर बटन दबावा आने की शहरों कोई भी हो इनी पर मत ध्यान दू एवं रीते मूल मंत्र आ लियो बधाने हौसलो बढ़ायो। बीजी बात कह दू कि जो जो मंत्री से यानी कि जो उप मुख्यमंत्री से दिनिकन विभाग भी घना से जब रीते बात करी आबकारी विभाग में हमने हाल ही में यानी कि फेरता टेंडर थाली थाना से फेरता दारू ठेका थाना से तो तीमा नियम कह दो कि कम से कम जो पुराना हिसाब थी यानी कि 15% ने 10 से 15% ने लगभग जो बढ़ावी ने फेरती ती हूँ दुकाने वाली से का अलाट कर है एवं रीतनी बात आई फिर तीने एम भी कह दू कि जब जब रीते पुराना हाथ हाथा या जो नियम कायदो से दुकान केतरा मंदिर या स्कूल आसपास इतने मीटर की दूरी में नहीं रहू जो है आने की तीना हिसाब थी जो पुरानो का नियम कायदो से त्यों त्यों रहे लेकिन कोई नवो खास बदलाव नहीं था एवं रीते बात तीने कह दियो से यानी कि फूलवाड़ी पार्टी कार्यकर्ता जोश और जूनू नालवानी बातें करियो। फूलवाड़ी पार्टी आवाला समय मालूम है पड़े कि लोकसभा की रायशुमारी भी चालू थी गई से आवाला समय मालूम पड़े कि लोकसभा की टिकट आखिर छापवा रतलाम अने अलीराजपुर एनी लोकसभा सीट पर कौन दावेदार करी सके तीना घना बदा रायशुमारी भी लगभग एवं एवं मोटा नेता ने मोकले ताकि कम से कम तीन एक मालूम पड़े कि कूनो पावर वधारे से कूनु नाम वधारे से कूनु नाम सुर्खियों में अगाड़ी चाल रही कहीं कहीं तीनी बड़ी बातें निकल आयो से एवं रीतनी बातें बदियो कह दियो आप मध्य प्रदेश उप मुख्यमंत्री जगदीश देवगौड़ा ने तो एवं रीते हूँ कह दू तू भी तुम सांभ फिर एवं रीतनी खबर जानकारी ने आपतो रही काका बाबा बदा राम राम। रतलाम झाबुआ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और अपार उत्साह है कार्यकर्ताओं में जनता में अपार उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटूट विश्वास है और मोदी जी की गारंटी का भी पूरा भरोसा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने तरक्की की है जो निरंतर हमारा प्रदेश देश हमारा आगे बढ़ा है इसके लिए लोगों के मन में पूरी श्रद्धा है और मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर बैठेंगे और देश की बागडोर संभालेंगे। थैंक यू। 5 करोड़ कर्जा लिया इस बार किया। अभी मैंने इसका दिया था आप ही को दिया था मैंने सरकार ये कर्जे की बात बार बार आती है। हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जो सरकार कर्जा नहीं लेती होगी। कर्जा लेना बुराई नहीं है कर्जा लेकर के विकास के काम करना कर्जा समय पर चुकाना ब्याज चुकाना ये महत्वपूर्ण है और नियम प्रक्रिया के अंतर्गत कर्जा लिया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने भी जब भी कर्जा लिया तो FRBM का जो नियम बना हुआ है उस नियम के अंतर्गत लिया। भारत सरकार की परमिशन लगती है उसमें उनकी भी स्वीकृति लेना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकारों ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया। उनने सड़क नहीं बनाई उनने तालाब नहीं बनाए उनने स्टाफ डैम नहीं बनाए उनने कॉलेज नहीं बनाए उनने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाए। यहाँ अगर कर्जा लिया भी है तो डेवलपमेंट के काम करने के लिए लिया इसलिए कर्जा लेना कोई बुराई नहीं। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भोपाल में कई सीटों पर रायशुमारी प्रस्तावित है कई सीटों पर सीधे घोषित होंगे। अब ये क्या होना अब ये पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है कमल का फूल उसका चुनाव चिन्ह है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके बिठाना है इसलिए कौन उम्मीदवार होगा इसकी कोई किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है।